हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप यार आप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम फिर से खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट, और यार आज हम वापस से ट्राई करने वाले हैं माइनक्राफ्ट टिकटॉक हैक्स, जो कि काफी ज्यादा सही होने वाले हैं। तो यार वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ओके गाइस, जो हमारा फर्स्ट टिकटॉक हैक है वो काफी ज्यादा सही है। जैसा कि आपको पता होगा कि यार हम नेदर में सो नहीं सकते, बट उससे पहले मैं नेदर पोर्टल तो बना दूं। पहले ही नेदर की बातें कर रहा हूं, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैं यहां पर नेदर पोर्टल बनाने वाला हूं। और आपको पता होगा कि यार जैसे हम नेदर में सोने जाते हैं ना, तो भाई जो हमारा बेड है वो फट के चूरा चूर हो जाता है। तो उसी का सॉल्यूशन भाई आज मेरे को पता चल गया है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, मैंने ये क्रिएट कर दिया एंड पीछे की तरफ आप देख सकते हो यहाँ पर पिलेजर्स हैं, एंड इनका जो मालिक था ना, जिसके पास बैनर होता है, वो यहाँ ही कहीं घूम रहा था। और अगर मैं उसको गलती से मार देता हूँ, जो कि वो ये रहा भाई, यहाँ मजे ले रहा है, तो सबसे पहले इसको मार के देखते हैं एक बार। है भाई मर तेरी ऐसी कैसी। तो गाइज अगर मैंने इसको यहाँ पर मार दिया ना, तो आप देख सकते हो यहाँ पर रेड हो चुकी है। मतलब यहाँ पर आसपास का ही विलेज होगा, जो कि मेरे को दिख चुका है सामने की तरफ, वहां पर भाई रेड होने वाली है और काफी सारे विलेजर मारे जाने वाले हैं। बट हाँ, आयरन गोलम तो वहां पर होगा ना उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं हमारे नेदर के अंदर, एंड आप देख सकते हो अगर मैं यहाँ पर बेड स्पॉन करता हूँ, तो सबसे पहले मैं यहाँ से बेड ले लेता हूँ। एंड कौन सा लो यार, एक काम करते हैं रेड कलर का बेड लेंगे। अब सबसे पहले गाइस अगर मैं यहाँ पर बेड लगा के इसमें सोने की कोशिश करता हूँ, तो आप देख सकते हो ये फट जाता है। बट ये जो अब हम हैक ट्राई करने वाले हैं ना, इसके थ्रू ये नहीं फटने वाला। बट यहाँ पर इतने सारे स्केलेटन क्या कर रहे हैं भाई, ये पहली बार देखा है मैंने स्केलेटन्स, वो भी यार ब्लैक वाले। अगर विदर होते तो बात भी था, बट ये क्या निकल रहा है भाई मेरे अंदर से। एक काम करते हैं जल्दी से मिल्क पीते हैं। हाँ तो अब ठीक है। तो सबसे पहले गाइस हमको ना एक बेड चाहिए होगा, तो मैं ये जो बेड है ना, मैं मतलब करने कहां वाला हूं मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं इस तरफ हम अपना हैक बनाते हैं भाई, एक तो बनाने की जगह भी नहीं है। हाँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पर हमें बेड रखना है, एंड देन इसके बाद आपको जो नीचे वाला ब्लॉक है ना वो तोड़ना है, इसके नीचे वाला। अब इसके बाद हमको कुछ चीजें चाहिए होंगी, जैसे कि एक स्लैब हो गई। अबे क्या लिख रहा हूँ, हाँ तो ये रही स्लैब, आपको एक स्लैब चाहिए। एंड इसके बाद आपको ना माइन कार्ट चाहिए, तो सबसे पहले माइन कार्ट भी ले लेते हैं। अब इसके अलावा हमको चाहिए रेल, क्योंकि भाई रेल के ऊपर ही तो चलते हैं ना माइन कार्ट। तो यहाँ पर भाई रेल 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 कहाँ पर है, हाँ तो ये रही रेल। ओके गाइस, तो अब सबसे पहले हमको यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना है, मतलब ऊपर की तरफ, एंड यहाँ पर जो हमारी माइन कार्ट है ना वो आने वाली है। तो यहाँ पर मैं माइन कार्ट ले लेता हूँ, एंड जो स्लैब्स है वो ले लेता हूँ। तो मैंने सारी की सारी चीजें ले ली। अब सबसे पहले ये जो रेल है मेरे को इस पर लगानी है, एंड देन जो हमारी माइन कार्ट है ना वो यहाँ पर आएगी। बट उससे पहले ना मेरे को नीचे की तरफ स्लैब लगानी है, तो मैंने यहाँ पर स्लैब लगा दिया। और यहाँ पर मैं इसको ढक देता हूँ, क्योंकि इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और भाग जाए यहाँ से तेरी ऐसी की तैसी, बेटा क्रिएटिव में मार नहीं पाएगा तू मेरे को। और कैसी आवाज निकाल रहा है भाई ये। बट सबसे पहले काम करते हैं, यहाँ पर मैं माइन कार्ट लगा देता हूँ, इसको पुश करते हैं। प्लीज प्लीज काम कर जाइयो। अबे इसको अंदर घुसना यार, तेरी ऐसी की तैसी घुस अंदर। अबे ये तो बाहर निकल रही है, पग तेरी। फिर से ट्राई करते हैं, एक काम करते हैं वापस मैंने इसको लगा दिया, एंड आप देख सकते हो ये अंदर की तरफ जा चुकी है। तो सबसे पहले इनको तोड़ देते हैं, एंड यहाँ पर मैं ये सोल सैंड लगा देता हूँ। अब सिंपल आपको इसके पास जाना है, एंड यहाँ पर बैठ जाना है। अब सबसे पहले गाइस मैं अपना पर्सपेक्टिव चेंज करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हो हम काइंड ऑफ सो रहे हैं नेदर के अंदर, बट हमारी आगे खुली है। बट ये वाला जो है कि काफी ज्यादा सही है, एंड आप इसको ट्राई जरूर करना। टाटा बाय बाय दोस्तों, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तो सबसे पहले इसको भी फोड़ कर जाते हैं बेचारे एंडरमैन को, ऐसे ही देखो चल गया बेचारा। तो सबसे पहले भाग कर चलते हैं यहाँ से अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर। अब गाइस जो हमारा नेक्स्ट वाला है ना वो भी काफी ज्यादा सही है, बट यार यहाँ से ना आवाज आने वाली है, मुझे पता है, इसलिए मैं इसको पहले से ही तोड़ रहा हूँ, मेरे को डिस्टर्ब ना करे। तो गाइस यार देखो, आपको पता होगा अगर आप गांव गए हो, तो आपको पता होगा वहां पर ना एक खेतों के बीच में पुतला सा खड़ा होता है, जिसको हम कहते हैं स्केयर क्रो। तो वही हम बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले जो जो मेरे को चीजें चाहिए ना, मैं वो सारी की सारी लेने वाला हूँ। अब सबसे पहले आपको ना नीचे की तरफ एक फेंस गेट लगाना है, तो ये काफी ज्यादा, अब मुझे नहीं पता यार कैसे बनेगा, बट हाँ यार आप इसको मार्क्स जरूर देना 10 में से। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक फेंस लगाया, सॉरी फेंस गेट नहीं है, ये सिंपल फेंस है। अब इसके ऊपर हमें लगानी है हे बिल, एंड देन इसका फेस आने वाला है जो हमारा स्केयर क्रो है। तो जल्दी से, अबे ओके तो फाइनली मैं लग चुका है। बट एक बात बताओ यार, जब मैं क्रिएटिव में खेल रहा हूँ तो उड़के लगा देता है, इससे बढ़िया। और हाँ मैंने एक चीज तो ली नहीं यार, जो हमारी मेन चीज है। तो सबसे पहले हमें चाहिए एक लीवर, तो जल्दी से यहाँ से मैं लिवर ले लेता हूँ। हाँ तो ये जो हमारा लिवर है वो यहाँ पर आने वाला है। तो आप देख सकते हो ये ना इसके कुछ हाथ जैसे बन चुके हैं, एंड यहाँ पर हमारा फेंस गेट आएगा। तो सबसे पहले फेंस गेट को यहाँ लगाते हैं, एंड मेरे को इसको खोलना होगा। तो आप देख सकते हो काफी हद तक ये सिमिलर लग रहा है हमारे स्केयर क्रो से। तो अभी वैसे ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो उसके बाद ना मेरे को यहाँ पर इसकी टोपी बनानी होगी। तो ये कुछ इस तरीके से बनेगी, एंड ये जो ट्रैप डोर आप देख रहे हो मैं इसके चारों तरफ लगाने वाला हूँ। तो यहाँ लग गया, यहाँ लग गया, एंड जो दो तरफ है वो भी लगा देता हूँ जल्दी से, एक यहाँ पर एंड 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 एक यहाँ पर। भाई फाइनली हमारा कंप्लीट हो चुका है, बट उससे पहले भाई एक और चीज लगेगी इस पे। तो सबसे पहले यहाँ चलते हैं, एंड यहाँ पर हमें लेना है बैनर। तो सबसे पहले बैनर लेते हैं, एंड जो बैनर होने वाला है वो होने वाला है हमारा येलो कलर का।
तो ये आ चुका है। अब इसके पीछे हमें बैनर लगाना है कुछ इस जगह पर, भाई काफी ज्यादा सही लग रहा है। बट ये स्केयर क्रो तो है, बस यहाँ पर फार्मिंग नहीं हो रही यार, तो फार्मिंग भी होनी चाहिए ना। तो फार्मिंग के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पर एक गड्ढा करना होगा जिसके अंदर मैं पानी डाल सकूं। अब सबसे पहले काम करते हैं चारों ही तरफ, ये कन्वर्ट कर देता है हमारी फार्मिंग। तो भाई मेरे हिसाब से अभी के लिए छोटी सी फार्मिंग काफी रहेगी, बट उससे पहले पीछे की तरफ भी कर देते हैं यार, लगना चाहिए ना कि यहाँ पर स्केयर क्रो का काम है। कौवे वो ना आ जाए डराने के लिए, वैसे भाई कौवे होते भी नहीं है इसके अंदर। तो सबसे पहले भाई मगर जानवर तो होते हैं ना, खेत बिगाड़ दे हमारा बिना बात के। तो आप ये वाला है जरूर से ट्राई करना, काफी ज्यादा सही है। तो सबसे पहले अब काम करते हैं, यहाँ पर लगाते हैं हम अपनी सीड्स। तो भाई जल्दी जल्दी लग जाओ। ओके, तो यहाँ पर जो हमारी